हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया का गोरी में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए इस घंटे को। पिछले वीडियो में हमने बताया था यूको बैंक का फॉर्म कैसे भरते हैं, और आज हम बताएंगे आपको पंजाब नेशनल बैंक का सेविंग अकाउंट खोलने का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से भरवाने की ज़रूरत है। बस लीजिए मोबाइल और सर्च कीजिए इंडिया का गोरी, और पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट फॉर्म भरना हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना पंजाब नेशनल का फॉर्म है। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे फर्स्ट पेज से। एप्लीकेशन टाइप मतलब ना अपना नया अकाउंट है, तो यहाँ न्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर आगे नेम, जिस नाम से आप खुलवाना चाहते हैं, आपका नाम, पूरा नाम जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपके पिताजी का नाम, आपके वाइफ अगर शादी हो रखी है तो वाइफ का नाम, अगर नहीं हो तो खाली छोड़ दें, तो आपकी वाइफ का नाम, मदर का नाम जैसे माता जी का नाम, और आपकी जन्म तारीख, महीना, दिन और साल, आपके जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड, और बिना शादी किए हुए हैं तो अनमेरिड। तो नेशनलिटी, अपने इंडिया का फॉर्म भर रहे हैं तो इंडिया में अकाउंट है तो इंडिया है ही अपने, यहाँ पे इन इंडिया पे क्लिक करना है। कैप्शन टाइप, आपका बिजनेस क्या है, तो आप, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, प्रोफेशनल है, जैसी आपकी इच्छा, जो आप जॉब करते हैं वही भर सकते हैं। स्टेट पे क्लिक कर दें यहाँ पे। बिजनेस, अगर और कोई बिजनेस हो तो ओके। आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, जनरल है, मेरी ओबीसी है तो मैंने ओबीसी पे क्लिक किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं कुछ भी जो आपकी कैटेगरी में आता है। एनुअल इनकम, आपको यहाँ पे सालाना इनकम 60,000, 60,000 से 1,00,000, 1,00,000 से 5,00,000, मैंने 1,00,000 से 5,00,000 कर रखी है। तो चलिए सेकंड पेज पे देखते हैं क्या है। ये अपना फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पेज, इसमें सबसे ऊपर कस्टमर टाइप, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, जो मेन जरूरी जरूरी चीज़ें हैं वही मैं बता रहा हूँ आपको, क्या भरना है, कहाँ पे टिक लगाना है वहीं पे, बाकी एक्स्ट्रा भरने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएट है तो यहाँ कर दें, मैंने अंडर ग्रेजुएट कर रखा है। रिलीजन मुस्लिम, आप हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, अदर हैं, तो यहाँ पे कर दें, मैंने मुस्लिम कर रखा है। इस पेज को हम खाली छोड़ देंगे यहाँ पे, इस लाइन को। फिर आगे अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने आधार कार्ड दिया है तो मैंने आधार कार्ड के नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के नंबर दे देंगे, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख दूंगा, बाकी यहाँ पे पैन कार्ड के नंबर लिख दिए। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी के नंबर लिख सकते हैं आप, जैसे कोई भी डिटेल हो आपकी तो यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे, एड्रेस टाइप, रेसिडेंस, बिजनेस इन रेजिडेंस, मैंने तीन दे रखा है, एक तो बिजनेस दे रखा है, एक रेजिडेंस दे रखा है, एक आधार कार्ड का दे रखा है, तो आप को देख लेना किस पे करना है आपके सुविधा अनुसार, जो आपको लगे कि हाँ भाई मेरा ये है तो इस पे क्लिक कर दें। तो चलिए थर्ड पेज पे, इसमें आपको एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जहाँ आप परमानेंट रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखना है, तो मैं, ये मेरा एड्रेस लिख रखा है मैंने, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, सिटी,
मैंने अपने गांव का नाम लिख रखा है स्टेट राजस्थान, या अपने गांव के कोड नंबर मैंने अपने गांव के लिख रखे हैं। आप अपने गांव, शहर, सिटी कुछ भी हो वहां के कोड नंबर लिख दें, गांव लिख दें, एड्रेस लिख दें अपना। सेकंड पेज पे अगर अलग एड्रेस और है दूसरा एड्रेस तो यहां पे लिखें, वरना इसको सेम लिख के छोड़ दें जैसे मैंने लिख रखा है सेम। तीसरे को खाली छोड़ दें, इसमें इनको भी खाली छोड़ दें। फिर वापस वहाँ पे वही ऊपर वाला यहाँ पे एड्रेस लिखना है, वही एड्रेस जो आपने ऊपर लिखा था, कोड नंबर, स्टेट, शहर, और थर्ड पे भी सेम ऐसा वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं चार नंबर पे। चार नंबर पेज पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मोबाइल नंबर लिखना है। अगर ईमेल आईडी है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, केवल मोबाइल नंबर लिख के छोड़ सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं भरना है आपको इस पेज पे। फिर आगे देखिए, इसमें सेम आधार कार्ड दिया है अपने तो आधार कार्ड के नंबर लिखने हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के नंबर लिखने हैं। इनमें से दो तीन जो भी आपके पास हैं उसके नंबर आप डिटेल इसमें भर सकते हैं। फिर बाकी और पूरा का पूरा खाली छोड़ना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें खाली छोड़ेंगे तो ही जरूरी जरूरी बातें हैं जो ही भर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे फर्स्ट में कुछ नहीं है, सेकंड में वही एड्रेस जो अपने पिछले पेपर में भरा था, मैंने अपना एड्रेस दे रखा है, सिटी दे रखी है, पिन कोड नंबर दे रखा है। फिर एप्लीकेशन टाइप न्यू, वही जो फर्स्ट में अपने भरा था अपडेट वगैरह, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर न्यू अकाउंट है, मेरा नाम लिख दिया मैंने वापस, ठीक है ये नाम है। यहाँ पे वापस आधार कार्ड नंबर लिख दिया मैंने, पैन कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं, आधार कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं, वोटर आईडी नंबर भी लिख सकते हैं। इस पेज में इतना ही। फिर नेक्स्ट देख लिए, फोन नंबर 60, इसमें आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, मिडिल नेम पिताजी का नाम। फिर अपने आगे परमिस नेम ऑफ परमिशेस, पिताजी का बायोडाटा, एड्रेस, जैसे पिताजी का नाम लिख दिया तो उनका एड्रेस, तो अपने मेरा पिताजी का सेम एड्रेस है तो हम सेम लिखेंगे, वही एड्रेस, वही सिटी, वही तहसील, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। आगे यहाँ पे अपन मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन किस तरह करना चाहते हैं, तो चेक पे तो चेक दे सकते हैं, कार्ड दे सकते हैं, तो अपन कैश दे रहे हैं तो कैश पे करना है। मतलब वो कि जो पैसे जमा कराते हैं फर्स्ट टाइम पे, वो क्या करना है तो कैश ही करना है, तो कैश पे क्लिक कर दें। बाकी पूरा खाली है, बस इतना ही भरना है इसमें। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे। इंस्ट्रक्शन, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आधार कार्ड, बैंक वगैरह, ये आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो वैसे पढ़ सकते हैं, इस पेज में कुछ नहीं लिखना है। इसके पास वाले में देखो, इसमें भी डिटेल्स, गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन, इसमें भी कुछ नहीं भरना है। नेक्स्ट पेज सेम, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है यहाँ, बस KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो अपने दे रखा है। अगर आपके पास जो है पासपोर्ट दे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड है, ये आधार कार्ड है तो वगैरह समथिंग दे सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट पेज, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, इस पे अपने को अपनी फोटो चिपकानी है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन पे अपना नाम लिखना है, अगर कोई सेकंड जॉइंट अकाउंट है उसका नाम लिखना है, थर्ड है तो थर्ड का नाम लिखना है। तो अपने को केवल अपना नाम लिखना है,
यहाँ पे, और यहाँ पे बाद में सिग्नेचर वेरीफाई होंगे तो अपन यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे, तो अभी मैंने किया नहीं है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं, फिर वहाँ पे बैंक के सामने होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सॉरी इस पेज पे आपको कुछ नहीं भरना है, केवल आपकी वाइफ का नाम अगर शादीशुदा है, नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, नॉमिनेशन जैसे आपके बाद में ये केयर ऑफ अकाउंट कौन करेगा, तो आप नॉमिनी का नाम दे सकते हैं, तो वाइफ का दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, फादर का दे सकते हैं, ब्रदर का दे सकते हैं, आप जो चाहें। मैंने नाम लिखा हुआ है वाइफ का, एड्रेस दे रखा है, वाइफ रिश्ते आपका क्या लगता है, तो वाइफ दे रखा है, और उनकी एज और उनका जन्म तारीख। नेक्स्ट पेज, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, पूरा खाली छोड़ना है। जो बाकी जो खाली छोड़ते हैं ना, वो बैंक के सामने कुछ बैंक वाले भी भरवाते हैं, साइन वगैरह सिग्नेचर करवाते हैं और फॉर्मेलिटी वगैरह करवाते हैं, बाकी सारे के सारे बैंक वाले अपने आप भर देते हैं। इस पेज पे कुछ नहीं है, इस पे भी कुछ नहीं बनना है, डिटेल लिखी हुई है। लास्ट पेज है, ये पेज आपको देख सकते हैं आप, कुछ नहीं इस पे, यहाँ पे आप की रसीद काट के आपको यहाँ से रसीद काटेंगे, यहाँ पे आपका सील वगैरह लगा के आपको ये रसीद दे देंगे, यहाँ इसके साथ ही अपने को अटैच कर ना आधार कार्ड, पैन कार्ड इतना देख के, और एक वोटर आईडी अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, दो या तीन फॉर्मेलिटी तो अनिवार्य है, दो तो कम से कम चाहिए फॉर्मेलिटी, तो मैंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे रखा है, तो ये अपना फॉर्म कंप्लीट होता है भरने का पंजाब का, और यहाँ पे भी अपने फोटो लगा रखी है, अपने भी फोटो लगा रखी है, तो आप भी उसको चिपका लें। हाँ याद रहे, स्टेपलाइज पिंच से ना करें, केवल इसको चिपकाएंगे कून से, इनको चिपका के एक यहाँ पे और एक लास्ट में दो फोटो चिपकाएंगे, तो अगर आपको हमारा दो फोटो चिपकानी है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ यारों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। धन्यवाद, थैंक यू।